to our YouTube channel, Hadron Skill Center near Fountain Chowk, Kemra Nagar. Our center code is 034. I am Ankit Sharma. Students, हमने basics में क्या पढ़ा था? Full forms पढ़ ली थी और introduction पढ़ लिया था. Basics of computer, computer क्या होते हैं, उसके advantages क्या होती हैं, applications क्या होता है, functions क्या होते हैं. उसके बाद हमने शुरू करना है आज से Microsoft Office Word. स्टूडेंट्स ये किस लिए यूज होता है? बेसिकली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए. कोई भी बुक पब्लिश होती है तो हम वर्ड पे लिखते हैं उसको. और भी कुछ काम करना हो, जैसे हमारे को कोई पोस्टर बनाना होता है तो इस पे बनते हैं. अब स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को. हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैंडम की कमांड लिखेंगे, इज इक्वल टू आर ए एन डी, शिफ्ट के साथ 9 और 0 दबाने के बाद ये ब्रैकेट्स आ जाते हैं हमारे. मैंने एंटर जैसे किया, इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है कि रेंडमली कुछ भी लिखकर दे देगा मुझे. ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम शुरू कर रहे हैं. इसमें अब क्या ऑप्शन है, पहला ये इसको बोलते हैं फॉन्ट. स्टूडेंट्स ये जो हमारा लिखा है इसको हम फॉन्ट बोलेंगे. इसका चेंज करना है हमको स्टाइल फॉन्ट का, तो यहाँ से चेंज होता है. सपोज कीजिए मैंने यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले रहा हूँ, यहाँ से चेंज हो रहा है. मैंने एरियल ले लिया तो ये एरियल में आ गया. इसका फॉन्ट का साइज मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो यहाँ से इंक्रीज होता है. यहाँ जैसे मैंने सपोज कीजिए 20 लिया तो मेरा जो फॉन्ट सिलेक्टेड फॉन्ट है, सबसे पहली बात मुझे जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन या प्रोग्राम का फंक्शन करना है मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैंने जैसे सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ से लेकर वीडियो से लेकर डिवाइस तक मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया था पहले. उसके बाद उसके ऊपर कोई भी मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ. जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया 22 ले लिया तो ये 22 पूरे के ऊपर आएगा. सपोज कीजिए मैंने सिर्फ इतना पोर्शन सिलेक्ट किया. स्टूडेंट सिलेक्ट कैसे करते हैं, अगर आपके पास पीसी है तो आप अपने माउस को लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हो जहां तक आपको चाहिए. लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में भी अपना लेफ्ट क्लिक है उसको एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड तक उसको ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है. सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, सपोज कीजिए मैंने सिर्फ इतना सिलेक्ट किया और मुझे फॉन्ट का साइज छोटा करना है. फॉन्ट का साइज यहाँ से छोटा हो जाता है. देखिए जितना सिलेक्टेड पोर्शन है सिर्फ उतने का ही कम या ज्यादा हुआ. ठीक है, अब ये दोनों किस लिए यूज होते हैं, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज के लिए है. मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया तो क्लिक करने से ये साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से क्लिक करने से साइज डिक्रीज हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे बोल्ड करना है फॉन्ट को. मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, मैंने एक हेडिंग बनानी है. सपोज कीजिए ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसको बोल्ड करना है तो या तो मैं कंट्रोल प्लस बी दबाऊंगा या फिर यहां से इसको क्लिक करूंगा. इसको क्लिक करने से क्या होगा, जो मेरा फॉन्ट जहां तक सिलेक्टेड फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाता है. इटैलिक करना है तो मैं इसको आई को क्लिक करूंगा. आई को क्लिक करने से क्या स्टूडेंट्स, देखिए हमारा थोड़ा बेंड हो गया जो मैंने सिलेक्ट किया था आकाम स्किल सेंटर. कंट्रोल प्लस आई से ये इटैलिक हो जाता है. उसके बाद आता है अंडरलाइन. कंट्रोल प्लस यू करूंगा तो अंडरलाइन होता है या फिर इसको क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन के ऑप्शन आ जाते हैं मेरे पास. मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा वो अंडरलाइन हो जाता है. सपोज कीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया तो उस प्रकार की अंडरलाइन हमारी आ जाती है. अब स्टूडेंट्स इनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट. आपने मैथ के क्वेश्चन में देखा होगा कि लॉग ऑफ 10 लगता है, किसी चीज की पावर लगती है या बेस लगता है, उसको हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं. सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखना है लॉग ऑफ 10, अब मुझे इसके बेस में लिखना है 10, तो मैं क्या करूंगा सबस्क्रिप्ट को क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 10. देखिए स्टूडेंट्स ये जो मेरा है फॉर्मेट, उसमें लॉग ऑफ 10 का जो 10 है वो आया मेरा बेस में. एंड सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लॉग ऑफ पावर में लिखना है 10, तो मैं यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करके 10 लिखूंगा तो वो पावर में आ गया. ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बाद इसको बोलते हैं केसेस. ये केसेस किस लिए यूज होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, जैसे सेंटेंस केस हो गया मुझे सेंटेंस के फॉर्मेट में बनाना है, लोअर केस हो गया मुझे लोअर केसेस में बनाना, अपर केस हो गया अपर केस, जैसे कैपिटल करने सब कुछ. पर कैपिटलाइज ईच वर्ड किस लिए यूज करते हैं, पहला वर्ड सबका कैपिटल करने के लिए. तो ये सब हमारे केसेस होते हैं. अब इनको आपको मैं यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं.
पहले मैं इन सब का साइज छोटा कर देता हूँ, साइज छोटा करने के बाद ठीक है स्टूडेंट्स मैंने इसका 12 रख दिया। अब मैंने यह किया, मैं आपको अलग अलग पैराग्राफ से अलग अलग केस लगा के दिखाऊंगा। सपोज कीजिए ये था मेरा, तो मैंने इस पे सेंटेंस केस लगाया, सेंटेंस केस बेसिकली इस पे लगा हुआ है। द नेक्स्ट वन इज लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि वीडियो का पहला वी है, ये सब कैपिटल में, ऑनलाइन का ओ यू, ये सब लोअर में हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं लोअर केस। लोअर केस के बाद मैं नेक्स्ट में आपको यहाँ पर करके दिखाया अपर केस। अपर केस में क्या होगा स्टूडेंट, एक एक वर्ड हर सेंटेंस का कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में क्या किया, यहां से इसको सिलेक्ट करके केस पे क्लिक किया और मैंने क्लिक किया कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, मेरा फर्स्ट लेटर हर सेंटेंस का कैपिटल होता जाएगा। थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प, ये सब जैसे थीम का टी, तो ये कैपिटलाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट पे आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करके मैंने यह किया टूगल केस चलाया। टूगल केस इसलिए फर्स्ट वर्ड स्मॉल और बाकी सब कैपिटल। अब उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट हमारा, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करेगा, मैंने यहां से यहां तक इसको सिलेक्ट किया, जो जैसा था उसको वैसे करने के लिए, जैसे स्टार्टिंग में जैसा था उसको वापस वही लाने के लिए। फॉर्मेट का मतलब होता है बिल्कुल वापस जहाँ स्टार्टिंग में था वहां आ जाना, और क्लियर करने का मतलब वो जो मैंने उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया उसको वापस उसी जगह पे लाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद आप जैसे 2007 यूज कर रहे हैं तो ये आपके पास नहीं होगा, जैसे हम क्लासेस में पढ़ाते हैं ये 2016 है, इसके लिए टेक्स्ट इफेक्ट आ जाते हैं, ये 2016 वाले में है। अब ये अलग अलग टेक्स्ट है, ये जो नया वर्जन है 2016 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वाला, उसमें ये सब है, आपके 2007 में नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट ये क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने का कलर। सपोज कीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर ये जो हार्ट्रॉन स्किल सेंटर 034 लिखा है, मुझे इसको हाईलाइट करना है। अब मैं कलर यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ये कलर सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइट कर देगा मेरे पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेंटेंसेस को, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। उसके बाद ये किस लिए यूज करते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, फॉन्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स जहां तक सिलेक्ट किया वहां तक फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो उसी कलर में आएगा जो मैंने सिलेक्ट किया, बट आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जाके देखेंगे तो वो ब्लैक रहेगा। इनबिल्ट इसका ब्लैक होता है, मैंने यहाँ से इसका कलर येलो कर दिया तो येलो थोड़ा लाइट हो जाएगा। ब्लू करा, अब कुछ भी लिख रहा हूँ वो ब्लू में आएगा। इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर और उसके बाद फॉन्ट कलर। स्टूडेंट्स उसके बाद आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किस लिए यूज करते हैं हम लोग, टेक्स्ट को एक कॉर्नर पे लेके जाने के लिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट किया तो ये सेंटर में अलाइन हो गया। लेफ्ट अलाइन करूंगा, ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा सारा सेंटर। राइट अलाइनमेंट, और ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, आपकी दोनों पोर्शंस को बराबर रखता है सेंटेंस में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा पोर्शन छूट जाता है, बट जस्टिफाई में इधर उधर साइड का नहीं छूटता। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है हमारा ये लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, इनके बीच में जो पैराग्राफ के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमारा पर्टिकुलरली किस लिए यूज होता है स्टूडेंट, जो पैराग्राफ के बीच में जो गैप है उसको कम या ज्यादा करने के लिए। कम या ज्यादा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, मैं गया लाइन स्पेसिंग पे। अब लाइन स्पेसिंग के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन होते हैं। अब मैंने यहाँ पर पोर्शन सिलेक्ट किया 1.0 का। 1.0 क्लिक करते ही
मेरा जो गैप है पैराग्राफ के बीच में वो ज्यादा या कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज 1.15, मैं वापस लाइन स्पेसिंग पे गया, मैंने 1.15 पे क्लिक किया, उसका स्पेस बढ़ गया। उसके बाद मैं फिर गया दोबारा लाइन स्पेसिंग पे, मैंने 2.0 दबाया। अब मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ कैसे एडिट होता है। जैसे 2.0 पे गया तो 2.0 पे आ गया, 2.5 पे इसका थोड़ा और गैप आ गया, 2.5 के बाद 3.0, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके पैराग्राफ्स में कहीं पे बहुत ज्यादा गैप है और आपको उसको ठीक करना है, तो आप क्या करेंगे, ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के आफ्टर में जो भी स्पेस होगा उसको कम या ज्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बीच में गैप ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज थी हमारी टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और दूसरा आ जाता है हमारा शेडिंग। टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंट है। टेक्स्ट हाईलाइट क्या करेगा, आपका पर्टिकुलर पोर्शन को सिर्फ हाईलाइट करता है। सपोज कीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को हाईलाइट किया ग्रीन से, तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ के बीच में ना गैप आ रखा है। अब उस गैप को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, शेडिंग का यूज करते हैं। शेडिंग को हम कैसे यूज करेंगे, शेडिंग को यूज करने के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे अपने पैराग्राफ को। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें, ये जैसे सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद मैंने शेडिंग का कोई भी कलर उठाया, सपोज कीजिए ये उठा लिया मैंने पीच कलर। तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद ही देख सकते हैं इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस इसका ये आ रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर था, उस टेक्स्ट हाईलाइट कलर में हमारे जो पैराग्राफ के बीच का पोर्शन है वो कम या ज्यादा हो रहा है, बट जो हमारा शेडिंग वाला कलर है उस शेडिंग वाले कलर में क्या है, शेडिंग वाले कलर में स्टूडेंट हमारा पैराग्राफ के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर प्लस शेडिंग। अब शेडिंग के बाद स्टूडेंट इनको बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट ये होते हैं हमारे, ये डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। अब सपोज कीजिए मैंने यहां पर रखा इसको और मैं इसका इंडेंट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरा पर्टिकुलर पैराग्राफ पर इंडेंट इंक्रीज हो रहा है और मुझे उसको डिक्रीज करना है, तो ये सारा डिक्रीज हो रहा है। आप इसको यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं स्टूडेंट, और आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट्स आप इतना ही करेंगे, फर्दर आपको बताया जाएगा वर्ड के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।